सुप्रभात बच्चों, आज के हिंदी कक्षा में तुम सबको स्वागत है। आज हम छठी कक्षा का एक सुंदर सी कविता का गान करेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। तो आज की हमारी कविता है वर्षा रानी। जैसे कि हमारे यहाँ जो एक साल होती है, तो एक साल में 12 महीने और 6 ऋतुएं होती है, ये हमें पता है। तो इन 6 ऋतुओं में सबसे सुखदाई और ऋतुओं की रानी जिसे हम कहते हैं, वो हमारी वर्षा ऋतु होती है, वर्षा रानी होती है। जब भी वो आती है, हमारे लिए सुखों का कारण होती है, सुखदाई होती है और सुहावना लगती है। जैसे कि हमें पता है, जब भी बारिश की बूंदें नीचे गिरती है, तो हम सब कागज़ के नाव बनाते हैं और कागज़ के नाव को पानी में बहा देते हैं। तो इन छोटी छोटी खुशियों को लेकर हम वर्षा रानी के ऊपर निर्भर हैं। जब भी वो आती है, हमारे लिए कई सारी खुशियों को लेकर आती है। और जैसे कि बच्चों, बारिश के मौसम छोटे बच्चों यानी कि हमारे लिए नहीं, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सारे लोगों के लिए ये सुख का कारण होती है और ये ऋतुओं को सब लोग पसंद करते हैं। तो बारिश का मौसम बहुत बड़ा सुहावना होती है। और क्या होती है जब वर्षा रानी आती है तो बारिश के समय आकाश में काले काले बादल दिखाई देते हैं। बड़ी बड़ी काले काले बादल और उसके साथ चमचम करती बिजली को लेकर वो आती है। और कभी कभी प्रकाश की रेखाएं, जैसे कि हमें उसे कहते हैं बिजली, और ये चमचमकती हुई दिखाई देती है। और वर्षा की बूंदें बौछार के रूप में एक साथ जब गिरती है, तो कई सारे चीज़ों को वो भिगो देती है। ज़मीन पर गिरने के कारण वो पानी में बहकर गड्ढों की ओर चले जाते हैं। और बारिश के मौसम में तालाब ये सारे जगह, गड्ढे, इन सारे जगहों में पानी भर जाता है। लोग छाता लेकर आना जाना करते हैं। ठंडी ठंडी हवा की लहरें बहने लगती है और जो हमारे यहाँ पशु पक्षी मनुष्य जो भी जीव जंतुए रहते हैं, वह सब बारिश के मौसम के कारण घर चले जाते हैं। और बारिश के कारण चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है। बच्चों के लिए खुशी के दिन होती है। और जो हमारे यहाँ किसान होते हैं, तो उनको तो यही ऋतु पसंद है सबसे ज़्यादा। तो इसी कारण वर्षा को रानी कहा जाता है, क्योंकि सभी ऋतुओं में ये प्रमुख है। तो आज हम और इसके बारे में कई सारी बातें जानेंगे। तो कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें समझाई है। तो पहले इस कविता का गान करेंगे। आई वर्षा रानी आई, देखो देखो आसमान में कितनी बदली छाई। आई वर्षा रानी आई, देखो देखो आसमान में कितनी बदली छाई। देखो देखो आसमान में कितनी बदली छाई। ठंडी ठंडी हवा की लहरें लगती कितनी प्यारी। ठंडी ठंडी हवा की लहरें लगती कितनी प्यारी। भर देती है तन में सिहरन, मन में उमंग निराली। भर देती है तन में सिहरन, मन में उमंग निराली। नन्ही नन्ही बूंदे झरती झरती कभी फुहारे। नन्ही नन्ही बूंदे झरती झरती कभी फुहारे। कभी टपाटप कभी झमाझम चलती रही हिलोरे। कभी टपाटप कभी झमाझम चलती रही हिलोरे। गड़गड़ गड़गड़ बजे नगाड़े तड़ तड़ नाचे बादल। गड़गड़ गड़गड़ बजे नगाड़े तड़ तड़ नाचे बादल। चम चम चमकी बिजली साजे आतशबाजी हुनर। चम चम चमकी बिजली साजे आतशबाजी हुनर। आओ आओ हम सब बच्चे नाचे गाए मिलकर। आओ आओ हम सब बच्चे नाचे गाए मिलकर। आई वर्षा रानी आई स्वागत करे सब चलकर।
आई बरसा रानी आई, स्वागत करे सब चलकर। तो बच्चों ये थी हमारी कविता। हम इस कविता के पहली पंक्ति का अर्थ समझेंगे। जैसे कि कविता में लिखा गया है आई बरसा रानी आई, आई का मतलब आना और बरसा रानी तो ऋतुओं की रानी कहलाती है। तो जब भी बरसा रानी आती है तो उसके साथ क्या क्या लेकर आती है, जैसे कि आसमान में कई सारे बादल और मेघों को अपने साथ लेकर आते हैं। हमने देखा है जब भी बारिश के बूंदे गिरने लगती है, लेकिन उससे पहले क्या होती है, आसमान में काला बादल छा जाता है, और जितनी काले बादल ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा बारिश होगी, ये हमारी मन में सोचते हैं। उसी प्रकार आसमान का मतलब होता है बच्चों आकाश, और बदली का मतलब होता है घटाएं, मेघ, छाई का मतलब होता है विस्तार करना यानी कि छा जाना, यानी कि जब भी बारिश की बूंदे बरसा रानी आती है तो अपने साथ वो आसमान में बादल और घटाओं को, मेघों को छा देती है, फिर बरसा रानी आती है। तो कभी हमें कहते हैं कि आसमान में देखो कितनी बदली छा गई है, और बरसा रानी आने की सूचना हमें देती है। उसी प्रकार दूसरी पंक्ति बच्चों हमारी यह है, ठंडी ठंडी हवा की लहरें। लहरें का मतलब होता है बच्चों लहरी व ढेऊ, लगती कितनी प्यारी, प्यारी का मतलब होता है सुंदर, लहरें तरंगे और प्यारे का मतलब होता है सुंदर, भर देती है तन में सिहरन, तन का मतलब होता है शरीर और सिहरन का मतलब है कंपन, यानी कि मन में कंपन सृष्टि करना, और उमंग निराली, उमंग का मतलब होता है उत्साह आनंद, और निराले का मतलब होता है असाधारण, यानी कि कवि ने हमें यह कहा है जब भी ठंडी ठंडी हवा के झोंके बहती हैं वो हमें बहुत प्यारे और सुहावने लगते हैं। सुहावने का मतलब सुखदाई, बहुत अच्छा लगता है। तो ये बारिश के बूंदे से आने से पहले ठंडी ठंडी हवाएं बहती हैं, और ये हवाएं हमारे लिए हमें प्यारे और सुहावने लगते हैं, और ये हमारे शरीर में तन में सिहरन, सिहरन का मतलब होता है कंपन, यानी कि शरीर में रोमांच और मन में अनोखा या फिर निराला जैसा असाधारण जोश भर देता है। यानी कि जब ये बारिश के बूंदे गिरती हैं तो उससे पहले ठंडी ठंडी हवाएं बहने लगती है, वो बहुत प्यारी और सुहावना लगती है, और अपने मन में शरीर में रोमांच कंपन और मन में अनोखा जैसी जोश को भर देती है। विलमना को ओडिया रे बुझे दूची, ठंडी ठंडी हवा की लहरें, शीतल पवन, ठंडी ठंडी हवा का मतलब शीतल पवन, शीतल पवन लहरी अति रमणीय बा अति सुंदर देखा जाए, अति सुंदर लागे, लगती कितनी प्यारी, बहुत सुंदर लगती है जब ठंडी ठंडी हवाएं बहने लगती है, भर देती है तन में सिहरन, देह रे कंपन पूर्ण कर दिए, देह को सितेई दिए बा थरेई दिए, मन में उमंग निराली, मन रे असाधारण उत्साह जात करे, मन रे असाधारण खुशी आनंद को सृष्टि करी थाए। ये सुंदर सी वर्षा रानी जब आती है हमारे मन में कई सारे आशाएं उत्साह को भर देती है। तीसरी पंक्ति है, नन्ही नन्ही बूंदे झड़ती, झड़ती कभी फुहारे। तो नन्ही नन्ही का मतलब होता है छोटा छोटा, छोटे छोटे बूंदे, पानी की बारिश की जब बूंदे गिरती है तो कभी बड़े बड़े बूंदे गिरते हैं तो कभी छोटे छोटे बूंदे गिरती है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि छोटी छोटी बूंदे झरना की भांति जब एक तरह से बहने लगती हैं तो ये बहती रहती है और झरती कभी फुहारे। फुहारे का मतलब होता है नन्ही नन्ही बूंदों की झड़ी, जिसे हम झरना भी कह सकते हैं, क्योंकि जब नन्ही नन्ही बूंदे गिरने लगती है तो उसे हम झरना ही कहते हैं। कभी टपाटप कभी झमाझम, टपाटप का मतलब होता है बड़ा बड़ा पानी की बूंदे
और झमाझम का मतलब होता है झिमझिम, यानी कि रिमझिम से बारिश के बूंदे। चलती रही हिलोरे, हिलोरे का मतलब होता है लहरे। तरंगे, तरंगे या फिर लहरे हम इसे कह सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि कभी कभी आकाश में छोटी छोटी बूंदें झड़ती है, तो कभी छोटी छोटी बूंदे का फुहार सा झरना झड़ती है, और कभी बड़ी बड़ी बूंदें जैसे कि टपाटप धोने से गिरती है, और तो कभी छोटी छोटी बूंदों की रिमझिम वर्षा होती है। तो ये हमेशा, लेकिन जब भी गिरती है हवा के लहरे को चलती रहती है, यानी कि इसका मतलब यह भी होता है जितने बड़े छोटो छोटो टोपा बर्षार बूंदा कितने बड़े छोटो छोटो टोपा टोपा बूंदा हुई झरी थाए, तो कितने बड़े झरणा आकार रे बूंदा बूंदा हुई धार धारा हुई तहा बही जाई थाए। नन्ही नन्ही बूंदे झरती, छोटो छोटो टोपा बूंदा हुई झरंती, झरती कभी फुहारे। फुहारे का मतलब मैंने तुमको भी कहली झरणा, जहाँकि क्रमान्वय बूंदा बूंदा हुई झरी थाए ताको आम झरणा बोली कही था। तो केते बेले झरणा आकार रे बूंदा बूंदा हुई धार धार हुई बही जाउ थाए। कभी टपाटप, टपाटप का मतलब होते बड़े बड़े बारिश के बूंदे, तो केबे केबे बड़ बड़ टोपा टोपा र सदृश वर्षार बूंदा पड़ी कंपन बा ध्वनि सृष्टि करी थाए। कभी झमाझम, केते बेले झिपी झिपी वर्षा मध्ये होई थाए, लेकिन जब भी वो गिरती है अपने साथ लहरे को लेकर आती है। जब भी वो गिरती है चलती रही हिलोरे अपने साथ तरंगे को लेकर आती है, और हमेशा जब बारिश के बूंदे के साथ लहरे और तरंगे के साथ लेकर गिरती रहती है बारिश के बूंदे। अभी अगली पंक्ति को जाएंगे। गड़गड़ गड़गड़ बजे नगाड़े, नगाड़े का मतलब होता है एक प्रकार का वाद्य यंत्र, जैसे कि गुटे प्रकार वाद्य यंत्र नगाड़ा ढोल यही प्रकार शब्दों को कहा जाए। तो गड़गड़ गड़गड़ बजे नगाड़े, तड़ तड़ नाचे बादल, चम चम चमकी बिजली साजे, आतशबाजी होना। इसका मतलब यह है कि जब भी बारिश आती है तो बारिश के साथ साथ आसमान में काला बादल छा जाता है, लेकिन काले बादल के साथ साथ बिजली भी चमकती है, रेखाओं की भांति बिजली भी चमकती है। तो ये जो गड़गड़ गड़गड़ बजे नगाड़े लिखा गया है, इसका मतलब ये होता है कि जब भी बादल गरजते हैं तो ऐसा लगता है कि नगाड़े वाला ढोल वाला बड़ी जोर से नगाड़ा बजा रहा है, गड़गड़ बजा रहे हैं, और बिजली की कड़क ऐसी लगती है कि मानो बादल तड़ तड़ शब्द करते हुए नाच रहे हैं। यानी कि जब भी बारिश बादल गरजती है तो उसका जो ध्वनि सृष्टि होती है तो वह सारे नगाड़े की गड़गड़ जैसे शब्द करते हैं और सुनाई देती है, और जब बिजली चमकती है तो चमचम जैसे आतशबाजी का हुनर के जैसा मालूम होता है। अत्यधिक प्रकाश के साथ बिजली चमकती हुई बहुत सुंदर भी लगती है, जैसे वह कई प्रकार के आतशबाजी करने की कला में प्रवीण है। आतशबाजी का मतलब यह होता है कि जैसे दिवाली के दिन हम क्या करते हैं, कई सारे आतशबाजी को लेकर फोड़ देते हैं। आतशबाजी का अर्थ हो पहले बाण, जिंदी बाणर शब्द रे अनेक ध्वनि व अनेक शब्द सृष्टि हुई थाए। ठीक से ही परी जेते बेले घड़घड़ी बादल गर्जन करिथाए ताहा तड़तड़ हुई नाचुची परी शब्द होइथाए, आ मेघ नागड़ा परी गड़गड़ शब्द करी गर्जन करुछु बोली कहा जाइथाए। जथा मेघ नागरा परी गड़गड़ शब्द करी गर्जन करती, और बिजुली चड़चड़ ध्वनि रे बादल बिजली चमक थांती। आकाश रे बिजुली झटका अति सुंदर देखा जाए, मने हुए जे बिजुली बाण फुटेबा कला रे से बहुत प्रवीण अटे, बाण फुटेबा ताको बहुत भल भाबरे जणा। तो आखिरी पंक्ति हमारी ये है, आओ आओ हम सब बच्चे नाचे गाए मिलकर, आई बरसा रानी आई, स्वागत करे सब चलकर,
तो आखिरी पंक्ति में कविता में कवि कहते हैं कि हम सब बच्चे जो हैं नाच कर और गा कर हम सब मिलकर नाचते हैं और गाना गाते हैं और वर्षा रानी के स्वागत करते हैं। तो वर्षा रानी को नाचते गाते स्वागत करने के लिए कवि हमें कहते हैं। तो बच्चों ये थी हमारी सुंदर सी कविता और उसका पूरा अर्थ। अब हम इस कविता में दी गई शब्दों के नए शब्दों के कुछ अर्थों के बारे में जानेंगे। आसमान, आसमान का मतलब होता है आकाश। लहर, लहरें यानी कि तरंगे। तन का मतलब शरीर। सिहरन का मतलब रोमांच यानी कि कंपन। उमंग का मतलब होता है उत्साह। निराले का मतलब होता है अनोखा, अजीब। नन्ही यानी कि छोटी। फुहारे, नन्ही नन्ही बूंदों की झड़ी। हिलोरे यानी कि तरंगे। नगाड़ा एक प्रकार का वाद्य यंत्र। और हुनर का मतलब होता है कला। तो बच्चों अभी हम इस कविता के अभ्यास को देखेंगे कि अभ्यास का उत्तर क्या है। कौन आई, बरसा रानी आई, बदली कहाँ छा जाती है, बदली आसमान में छा जाती है, हवा तन में क्या भर देती है, हवा तन में सिहरन भर देती है, बूंदे कैसी है, बूंदे नन्ही नन्ही है, नन्ही नन्ही बूंदे हैं, बादल कैसे नाचते हैं, तड़ तड़ करके बादल नाचते हैं। अभी दूसरे नंबर पर जाएंगे। पहला प्रश्न, आसमान में क्या छा जाती है। आसमान में बदली छा जाती है। हवा कैसी लगती है। हवा ठंडी ठंडी हवा की लहरें बहुत प्यारी लगती है, सुहावना लगती है। बादल कैसे शब्द करते हैं, गड़गड़ गड़गड़ तड़तड़ शब्द करते हैं बादल। बिजली कैसे चमकती है, चमचम चमकती है और आतिशबाजी की कला दिखाती है। वर्षा होने पर बच्चे क्या करते हैं, वर्षा होने पर बच्चे मिलजुल कर नाचते हैं, गाते हैं और वर्षा रानी को स्वागत करते हैं। अभी तुम्हारे यहाँ पंक्ति को दी गई है तीसरे नंबर पे। गड़गड़ गड़गड़ बजे नगाड़े, देखो देखो आसमान में कितनी बदली छाई, भर देती है तन में सिहरन, मन में उमंग निराली, कभी टपाटप कभी झपाझप, कभी टपाटप कभी झमाझम। क्रियापद को जोड़कर कुछ शब्द नए शब्दों को बनाने के लिए कहा गया है। वर्षा होती है, जैसे कि वर्षा को लगाकर उसने एक वाक्य बनाया है, वर्षा होती है। मेघ का लगाकर मेघ गरजता है, उसी प्रकार गाय शब्द को लगाकर हम बना सकते हैं, गाय चढ़ती है। सूरज तपता है, मछली तैरती है, चांद चमकता है, हवा बहती है, आदमी सोता है, बिजली कड़कती है और नगाड़े बजते हैं। इस तरह का इस अभ्यास को तुम सब अपने खाते में कर लेना। आज के लिए इतना ही। अगले कालांश में हम एक और नए विषय पर पढ़ेंगे। धन्यवाद।